हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आजकल बारिश का मौसम है और लगभग देश के हर हिस्से में अभी बारिश हो रही है। ऐसे में दोस्तों, आप जब भी घर से बाहर निकले अपने स्मार्टफोन की हिफाजत करना मत भूले। अपने साथ हमेशा ही वाटरप्रूफ मोबाइल बैग या जीप पाउच साथ में रखें। फिर भी दोस्तों, अगर आपका स्मार्टफोन बारिश में भीग जाए या पानी में गिर जाए तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आजकल मार्केट में उपलब्ध ज़्यादातर स्मार्टफोन IP64 या IP65 रेटेड है, जिसकी वजह से दोस्तों अगर आपके स्मार्टफोन पर हल्की बूंदाबांदी होती है या बारिश के कुछ छींटे भी पड़ते हैं तो भी आपका स्मार्टफोन खराब नहीं होगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर आपका स्मार्टफोन खराब हो जाता है, पानी में गिर जाता है, तो भी आप कैसे अपने स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहना, ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है आप सबके लिए। मैं हूं जिग्नेश, आप देख रहे हो कैमचेटेक। चलिए शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपका स्मार्टफोन बारिश में भीग जाए या पानी में गिर जाए तो आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन या कीपैड फोन से बैटरी को निकाल देना है और उसको ऑफ कर देना है। ज़्यादातर स्मार्टफोन दोस्तों अभी नॉन रिमूवेबल बैटरी के साथ आते हैं, तो दोस्तों आपको उसकी पावर क्यू को दबा के रखना है जिससे आपका स्मार्टफोन ऑफ हो जाए। अगर दोस्तों आपके स्मार्टफोन में बैक साइड कवर है तो सबसे पहले उस बैक साइड के कवर को निकाल देना है। उसके बाद एक सूखे कपड़े से अच्छी तरह से अपने स्मार्टफोन को साफ कर देना है। साफ करने के बाद दोस्तों पंखे के नीचे आपको अपने स्मार्टफोन को 2-3 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देना है, जिससे दोस्तों फैन की हवा से आपका स्मार्टफोन अच्छी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, अभी बारिश की सीजन है तो आपको धूप कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी, इसीलिए आपको अपने स्मार्टफोन को फैन के नीचे ही रखना है, जिससे बहुत जल्दी आपका स्मार्टफोन सूख जाए और उससे जो भेज होगा, वो पानी होगा, वो निकल जाए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब भी उनका स्मार्टफोन वाटर डैमेज हो जाता है तो बार बार फोन को ऑन ऑफ करने में लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी ऐसी गलती मत करना। जितनी भी बार दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन को ऑन ऑफ करेंगे उतनी ही बार दोस्तों फोन में शॉर्टिंग फैलता चला जाएगा, और दोस्तों वाटर डैमेज होने के बाद आपके फोन चालू होने का कुछ चांस होगा तो वो भी शॉर्ट सर्किट की वजह से चला जाएगा। तो दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपका स्मार्टफोन वाटर डैमेज हो तो उसे कभी भी ऑन मत करिएगा। इसके बाद दोस्तों, आपने अपने स्मार्टफोन में जो भी एक्सटर्नल चीजें लगा के रखी है उसको निकाल दे, जैसे कि सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, उन सबको निकाल दे, ताकि दोस्तों आप अपने मेमोरी कार्ड के डेटा को लॉस होने से बचा सके, आप अपने सिम कार्ड को खराब होने से बचा सके। अगर दोस्तों आपका स्मार्टफोन खराब भी हो गया तो कम से कम आप अपने मेमोरी कार्ड के डेटा को तो बचा ही सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये काम करना है आपको। YouTube पर दोस्तों आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएगा जिसमें दावा किया जाता है अगर आपका स्मार्टफोन वाटर डैमेज हो जाए तो हेयर ड्रायर की मदद से आप अपने स्मार्टफोन में से पानी को सुखाकर उसको बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी गलती से भी हेयर ड्रायर का यूज वाटर डैमेज हुए स्मार्टफोन में मत करना, तो ऐसी गलती कभी मत करना, वरना आपके स्मार्टफोन से पानी तो सूख जाएगा। लेकिन कभी कभी हेयर ड्रायर की गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि आपके स्मार्टफोन के कंपोनेंट खराब हो जाते हैं, और अगर आपके स्मार्टफोन के कंपोनेंट खराब हो गए तो आपके स्मार्टफोन का हो जाएगा राम राम सत्य है। तो दोस्तों, हमेशा यही कोशिश कीजिएगा कि आपके स्मार्टफोन को ज़्यादा से ज़्यादा हवा में रखना, चाहे आप धूप में रखो, पंखे के नीचे रखो या कहीं पर भी रखो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा हवा मिले इसका ध्यान रखना, और कभी गलती से भी आपको हेयर ड्रायर का यूज़ नहीं करना है। अगर दोस्तों आपका स्मार्टफोन हल्की बूंदाबांदी से ही वाटर डैमेज हुआ है तो आप 2-3 घंटे हवा में रखने के बाद अपने स्मार्टफोन को ऑन करके देख लेना। अगर दोस्तों आपका स्मार्टफोन पानी में गिर गया है या ज़्यादा बारिश से भीग गया है तो दोस्तों आपको 24 से 48 घंटे तक आपके स्मार्टफोन को हवा में रखना पड़ेगा। और दोस्तों, आप अपने स्मार्टफोन को बहुत जल्दी सुखाना चाहते हो तो एक और आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ। कच्चे चावल के डिब्बे में आप अपने स्मार्टफोन को बैटरी निकाल के रख दे और 10 से 15 घंटे ऐसे चावल के डिब्बे में अपने स्मार्टफोन को रहने दे, और उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन को बाहर निकाल दे और फिर ऑन करके देख ले। अगर दोस्तों आपका स्मार्टफोन चालू हो गया तो वो आपका लक है, अगर नहीं हुआ तो फिर दोस्तों आखिर में एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, आप किसी मोबाइल एक्सपर्ट के पास चले जाइए और अपना स्मार्टफोन दिखा दे। और एक बात दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि थोड़े थोड़े टाइम पर आप अपने मोबाइल से डेटा निकाल कर किसी और जगह PC, लैपटॉप या पेन ड्राइव में ट्रांसफर करते रहिए, जिससे दोस्तों कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप अपने डेटा को सेव कर सकेंगे, आप अपने डेटा को बचा सकेंगे। हाँ दोस्तों, ऐसे कंडीशन में आपका स्मार्टफोन तो लॉस हो जाएगा, लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिए कि स्मार्टफोन से ज़्यादा जरूरी स्मार्टफोन का डेटा होता है। तो दोस्तों, हमेशा ये ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आप अपने डेटा को PC, लैपटॉप या पेन ड्राइव में ट्रांसफर करते रहिएगा टाइम टाइम पर। जाते जाते दोस्तों एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि जब भी दोस्तों आपका स्मार्टफोन वाटर डैमेज हो तो उसे ऑन करने की कोशिश कभी मत कीजिएगा,
अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।